अब जिस पे मजीद कमांड्स हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ से फाइल को जाके ओपन करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक्चर को क्लिक करके खोल लेते हैं, पहले हम इसमें तो हम यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये इमेज ले लेते हैं हम इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम जाके यहाँ से क्लिक करते हैं, कोई दूसरा इमेज लेकर आते हैं। तो यहाँ से हमने कोई दूसरा इमेज लिया, लेट्स सपोज वो इमेज ये वाला था, और उसको ओपन कर लिया हमने कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल हुआ, कंट्रोल सी से कॉपी हुआ, कंट्रोल वी से कर लिया पेस्ट, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट हो जाता है। अब ट्रांसफॉर्म अल्टर शिफ्ट के साथ दबा के कोने से कम करते हैं तो चारों तरफ से कम हो जाता है। लेकिन व्हाट इफ अगर कोई ऑब्जेक्ट या शेप भी हो सकता है, उसको सिर्फ यहाँ से कम करना हो, सिर्फ यहाँ से मूव करना हो, तो उसके लिए आपको एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से करना पड़ता है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट में आप इसके चारों कोनों को अलग अलग रिसाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप इसको सिर्फ पकड़ के मैनेज करना चाह रहे थे तो ये देखिए, इसको इस तरह से मैनेज करना चाह रहे थे, इसको ऐसे मैनेज करना चाह रहे थे, ऐसे मैनेज करना चाह रहे थे, कैसे मैनेज करना चाह रहे थे, ऐसे दिखाना चाह रहे थे आप, तो ये देखिए इमेज इस तरह से दिखाई दे देगा, और ये इसको डिस्टॉर्ट करके आप जैसे मूव टू पे क्लिक करेंगे, ये देखें इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसी चीज़ को अगर आप कंट्रोल सेट कर लेते हैं, दोबारा पिक्चर सीधी हो जाएगी, एडिट में जाके दोबारा हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म, और इसको अल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और क्लिक करके यहाँ से इसका अप्लाई कर देते हैं। तो डिस्टॉर्ट में आपने देखा कि एक एक कोने को अलग अलग हम मूव कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है पर्सपेक्टिव का, ये क्या करेगा, ये डिस्टॉर्ट से थोड़ा सा एडवांस है, ये एक कॉर्नर को आप पकड़ेंगे दूसरे कॉर्नर को खुद अपने साथ एडजस्ट करेगा। जैसे ये मैंने कॉर्नर पकड़ के नीचे खींचा तो नीचे वाले को ऊपर ले आया, ऊपर खींचा तो नीचे वाले को और आगे ले गया, अच्छा इसको पकड़ के ऐसे खींचा तो पीछे वाले को करीब ले आया, इसको ऐसे किया तो लेफ्ट के अपोजिट वाले को पीछे ले गया। तो ये पर्सपेक्टिव इस तरह से किया जा सकता है। अगर हम जैसे इस तरह का एक पर्सपेक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो इसे क्लिक करके ओके कर दें, फिर कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करते जाएं और इसका पर्सपेक्टिव आपके लिए इस तरह से बनाते जाएं, कंट्रोल टी करके उसको थोड़ा सा छोटा भी करते जाएं और इस तरह से क्लिक करके अप्लाई कर दें, तो ये इस तरह का एक पर्सपेक्टिव आप इसके अंदर बना सकते हैं। पर्सपेक्टिव टूल इस तरीके से काम कर रहा होता है, क्लिक करके अप्लाई कर दें। तो ये देखें इस तरह का पर्सपेक्टिव हम बना सकते हैं डिफरेंट तरीके से, ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, तो ये चीज़ें हमारे इसमें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव के बाद हमारे पास जो दूसरा टूल है